स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा गागर में सागर में। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है, थोड़े में ज़्यादा, चैनल का नारा है सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। तो देखिए, आज की मेरी लॉन्ग वीडियो है, पर इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है कि आप दौड़ा दौड़ा के देखें, नहीं दौड़ाएंगे तो दिमाग से ही दौड़ जाएगा सब, इसलिए ज़्यादा दौड़ाए नहीं। आपसे मेरा अनुरोध है वो आप तटस्थ होकर के बैठ जाए, एकदम क्लास जैसी फीलिंग आएगी आपके लिए, तो हम सारा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। और ये वो रचनाएं हैं जो 100% एग्जाम में आती हैं, पर हम लोग यहाँ से पढ़ते नहीं हैं कभी, पर यहाँ से आती हैं। ठीक है, चलते अपनी रचना और रचनाकारों की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? कह रहे हैं, कहित कबीर सुनो भई साधु। ये कह रहे हैं, कहित कबीर सुनो भई साधु। चार ऑप्शन है हमारे पास, इन्हीं चार ऑप्शन में एक सही ऑप्शन है, और जो सही ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ढूंढते आइए, चलिए उस क्वेश्चन के आंसर के लिए। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने भी ढूंढ लिया ही होगा। चलिए ढूंढते हैं। ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र जी, ऑप्शन बी नरेंद्र मोहन जी, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी भीष्म साहनी जी। देखिए, विद्यानिवास मिश्र जी तो बिल्कुल ही नहीं है, और ना ही हमारे हरिशंकर परसाई हैं। फाइट रहेगी हमारी किस में? नरेंद्र मोहन और भीष्म साहनी जी में, क्योंकि इनकी मिलती जुलती रचनाएँ हैं। कबीर दोनों में नाम आया है, कबीर कबीर का, तो इसलिए आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो आप ध्यान दें कि किसकी है, ऑप्शन बी या डी। तो कि कहत कबीर सुनो भी साधु, ये है किसकी? नरेंद्र मोहन जी की है। ठीक है, इन्हीं की एक रचना और है, मिस्टर जिन्ना। ठीक है, आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है पढ़ते हैं, जो राम रची राखा किसकी रचना है? जो राम रची राखा किसकी रचना है, इसके कौन रचनाकार हैं? ऑप्शन ए मृणाल पांडे, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी भीष्म साहनी जी, ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र जी। कौन है बताइए, जो राम रची राखा के, बताइए कौन है? देखिए, ऑप्शन ए मृणाल पांडे, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, भीष्म साहनी जी या विद्यानिवास मिश्र जी। नहीं है, ना ही भीष्म साहनी जी हैं, ना ही हरिशंकर परसाई जी हैं। बच्चे कौन, आप समझ गए होंगे, मृणाल पांडे। ठीक है, 100% एग्ज़ाम में आती है रचनाएँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। अगर ये बहुत ढूंढ के सर्च करके आप तक अच्छी अच्छी रचनाएँ पहुँचाते हैं, कोशिश करते हैं कि आप तक पर्याप्त ज्ञान पहुँचाएँ। आइए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है पढ़ते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। झीनी झीनी चुनरिया, कह रहे हैं झीनी झीनी चुनरिया किसकी रचना है, ये इसका रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी भीष्म साहनी, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी बिस्मिल्ला खान। देखिए, हरिशंकर परसाई जी की नहीं है, ना ही भीष्म साहनी जी की है, ना ही विद्यानिवास मिश्र जी की। बचा क्या, आप समझ गए कौन, बिस्मिल्ला खान जी, चीनी चीनी चुनरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ते हैं। क्या है, सबही नचावत राम गोसाई, कह रहे हैं सबही नचावत राम गोसाई किसकी रचना है, कौन रचनाकार है इसका? ऑप्शन ए भीष्म साहनी, ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्र जी, ऑप्शन सी बिस्मिल्ला खान, ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा जी। देखिए, ऊपर के तीनों नहीं हैं, बचे कौन? भगवती चरण वर्मा जी। तो हमारे सबही नचावत राम गोसाई इसके रचनाकार हैं, आप समझ गए, भगवती चरण वर्मा जी, ऑप्शन नंबर डी। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 5, क्या है पढ़ते हैं इसके लिए। क्या है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये कह रहे हैं कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, रचनाकार कह रहे हैं, ये किसकी रचना है? ऑप्शन ए भीष्म साहनी, ऑप्शन बी बिस्मिल्ला विद्यानिवास मिश्र जी, ऑप्शन सी बिस्मिल्ला खान, ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र जी। देखिए, 2 बार विद्यानिवास मिश्र जी आ गए, कोई नहीं, हमें ऑप्शन ढूंढना है सही। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, आइए आ जाते हैं सीधे डायरेक्ट, ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र जी। ठीक है, वैसे बी भी हो सकता है कि विद्यानिवास मिश्र यहाँ भी है, आपको नाम याद रखना है, ना कि ऑप्शन की सीरीज। आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, तुम चंदन हम पानी, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन 4 है,
ऑप्शन ए विद्यानवाज मिश्र, ऑप्शन बी भीष्म साहनी जी, ऑप्शन सी विद्यानवाज मिश्र, ऑप्शन डी बिस्मिल्ला खान। देखिए इन चारों में से कोई भी नहीं है। इसके हैं रैदास। क्या हैं? रैदास जी हैं, रैदास जी। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ते हैं प्रेमचंद के फटे जूते। ये कह रहे हैं प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है? ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी भीष्म साहनी जी, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी बिस्मिल्ला खान। देखिए प्रेमचंद के फटे जूते ये रचना है और इसका नाम निबंध है। ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये निबंध है या रचना है, क्या है या संस्करण है। तो ये एक निबंध है कि प्रेमचंद के फटे जूते ये रचना किसकी है, ये कौन रचनाकार हैं। तो इसके हैं देखिए पहले नंबर पर ही हरिशंकर परसाई जी हैं, प्रेमचंद जी के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ते हैं क्या है? तुलसी चंदन घिसे, कह रहे हैं कि तुलसी चंदन घिसे ये किसकी रचना है? ऑप्शन ए मृणाल पांडे, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी भीष्म साहनी, ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र जी। लेकिन मृणाल पांडे नहीं है। तो दूसरे नंबर पे ये हमारे जो आते हैं हरिशंकर परसाई, यही हैं, इनकी ये रचना है। कौन सी? तुलसी चंदन घिसे, हरिशंकर परसाई जी। आइए पढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। सुधिया उस चंदन बन की, सुधिया उस चंदन बन की किसकी रचना है? ऑप्शन ए मृणाल पांडे, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी विष्णुकांत शास्त्री, ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र। किसकी है बताइए? सुधिया उस चंदन बन की, आप भी गैस कीजिए। मृणाल पांडे नहीं है, हरिशंकर परसाई जी नहीं है, यह है विष्णुकांत शास्त्री जी की सुधिया उस चंदन बन की ये रचना है। ठीक है, किसकी है? हरिशंकर, सॉरी विष्णुकांत शास्त्री जी। आइए पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में ये किसकी रचना है? इससे पहले एक रचना और थी, कहत कबीर सुनो भी साधु, है ना? और यहाँ पर है कबीरा खड़ा बाजार में, कहत कबीर सुनो भी साधु, ये थी हमारे नरेंद्र मोहन जी की पर्याय। ये फिर ये किसकी है कि कबीरा खड़ा बाजार में? ऑप्शन ए मृणाल पांडे, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी भीष्म साहनी जी, ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र जी। मृणाल पांडे नहीं है, हरिशंकर परसाई नहीं है, भीष्म साहनी जी हैं कबीरा खड़ा बाजार में रचना के लिए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप तक पर्याप्त ज्ञान पहुँचा रहे हम। आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ते हैं क्या है? चितवन की छांव ये रचना किसकी है? चितवन की छांव ये रचना किसकी है? ऑप्शन ए मृणाल पांडे, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी भीष्म साहनी जी, ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र। देखिए मृणाल पांडे नहीं है, हरिशंकर परसाई नहीं है, भीष्म साहनी नहीं है, यह है विद्यानिवास मिश्र जी की चितवन की छांव। ठीक है, आइए पढ़ते अपना क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पढ़िए भाई क्या है। रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला यह रचना किसकी है? इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मृणाल पांडे, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी भीष्म साहनी जी, ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र जी। ना ही मृणाल पांडे जी हैं, ना ही हरिशंकर परसाई जी हैं, यहाँ भी हैं भीष्म साहनी जी। रंग दे बसंती चोला बहुत अच्छी रचना है, आती है एग्जाम में, आई है, तो आप अच्छे से करें। कौन है? भीष्म साहनी जी। ये पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। आंगन का पंछी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी भीष्म साहनी जी, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र जी, ऑप्शन डी बिस्मिल्ला खान। नहीं है बिस्मिल्ला खान, ना ही हरिशंकर परसाई जी हैं, ना ही भीष्म साहनी जी हैं, बचे कौन? विद्यानिवास मिश्र जी, ये हैं इसके आंगन के पंछी के रचना के रचनाकार। देखिए बहुत अच्छी रचनाएं हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आई करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। मिस्टर जिन्ना, मिस्टर जिन्ना
रचना के रचनाकार कौन है, मिश्र जिन्ना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी भीष्म साहनी जी, ऑप्शन डी नरेंद्र मोहन जी। मिस्टर जिन्ना ध्यान होगा मैंने बताया था सबसे पहली जो हमारी रचना थी क्या थी, कहत कबीर सुनो भी साधु, उन्हीं की यह है। किसकी? नरेंद्र मोहन जी की। ऑप्शन डी सही है। आइए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते की रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन हमारे चार है, इनमें से कोई एक है। ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा जी, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई जी, ऑप्शन सी भीष्म साहनी जी, ऑप्शन डी नरेंद्र मोहन जी। नहीं है, नहीं भीष्म साहनी जी हैं, नहीं हमारे हरिशंकर परसाई जी हैं। बच्चे क्या, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, भगवती चरण वर्मा जी हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते के रचनाकार। ठीक है, इनकी रचना है ये। आइए करते हैं अपना 16वां क्वेश्चन, हमारी वीडियो समाप्ति की तरफ चल रही है। उम्मीद करते हैं आपके लिए अच्छी लग रही होगी, अगर कहीं पे कोई गलती हो रही है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में बताएं जा करके, तो उसके लिए हम सुधार करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं अपनी रचना 16वां नंबर क्वेश्चन का। बंजारा मन, कह रहे बंजारा मन किसकी रचना है? देखिए बंजारा मन मृणाल पांडे जी नहीं है, हरिशंकर परसाई जी नहीं है, भीष्म साहनी जी नहीं है, ये है विद्यानिवास मिश्र जी की। इन्हीं की कौन सी थी? और भी तो मैंने आपके लिए भी कराई है इसमें, चितवन की छा किसकी थी? मेरे राम का मुकुट भीग रहा किसकी थी? विद्यानिवास मिश्र जी की थी ना, तो ये बंजारा मन भी इन्हीं की है। कहीं की मेरी आज उच्चारण में थोड़ी सी गलती हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आज मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए, पर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। आ गए हम अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट पीढ़ी पे, लास्ट पायदान पे। करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आइए पढ़ते हैं। ललित निबंध, ललित निबंध की जो रचना है ये, इसके रचनाकार कौन है ललित निबंध के? देखिए इसका तो पता ही चल रहा है कि ललित निबंध निबंधी है ये। ऑप्शन ए मृणाल पांडे, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी भीष्म साहनी जी, ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र जी। अभी हमने किसकी बताई थी आपके लिए, अभी जो एक बंजारा बन बताई थी विद्यानिवास मिश्र जी की, इन्हीं का ललित निबंध है विद्यानिवास मिश्र जी की। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका वीडियो को देखने का सुनने का धन्यवाद।